10 रुपए की पेप्सी रोहित भाई सेक्सी। अरे भाई रोहित भाई मुबारक हो यार, तुम्हारी जीत की वजह से हम प्ले ऑफ में पहुंच गए। देखा कमाल, अरे जीतो तुम, मेहनत करो तुम और प्ले ऑफ में पहुंचे हम। अरे कोहली, हमको कोई खुशी नहीं है इस मैच को जीतने की। अरे हम तो चाहते थे कि दिल्ली प्ले ऑफ में पहुंचे, हम तो दिल्ली के लिए ही खेल रहे थे, लेकिन दिल्ली को देखकर ऐसा लग रहा था कि दिल्ली वाले तुम्हारे लिए खेल रहे हैं। अरे इस पंत को देखो, जब टिम डेविड पहली गेंद पर आउट हो गए तो इन्होंने रिव्यू क्यों ना लिया। अरे भाई रिव्यू की तो जाए भाड़ में, इन्होंने अपील करी उस गेंद पर और एम्पायर ने नॉट आउट दिया, तो इनको रिव्यू लेना चाहिए था भाई। अब ऐसी लुल कप्तानी कोई करता है भाई? इसकी कप्तानी को देखकर भैया ऐसा खो रहा है कि तुम्हारी तरफ से खेल रहे थे पक्का। तो भाई टिम डेविड को आ गया गुस्सा, तो पेल गई 11 गेंदों पर 34 रन। अरे रोहित, ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो? अरे हम क्यों खेलेंगे भैया कोहली की तरफ से? अरे हम अपने टीम की तरफ से खेले। अरे हमको ना जीतने की ट्रॉफी, हमको भी तो नाम रोशन करना है। अरे हमसे गलती हो गई, वो उस समय टीम डेविड को हम DRS ले लेते तो शायद हम ये मैच जीत चुके होते और प्ले ऑफ में हम पहुंच जाते। यार तुम तो बकवास ही करे जा रहे हो। अरे यार कोहली, हमको ये तुम क्या पेप्सी ला दिए? हमको यार दूसरे रंग की चाहिए, दिमाग खराब हो रखा है। अरे कर तो दिया तुमने नाम रोशन RCB को प्ले ऑफ में पहुंचाकर। अरे ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो, अब ये बताओ तुम्हें खाने के लिए क्या क्या चाहिए? चिकन टिक्का, चिकन फ्राई, दाल मखनी, सूखी दाल, ये सब? भाई तुम तो कुछ खाओगे नहीं, तुम तो सिर्फ पियोगे। तो दोस्तों, आप ऋषभ पंत को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे कप्तानी के लिए, तो बताए कॉमेंट कर।